लो भाई लोगों, अपन बॉर्डर पे आ गए। मैंने यहाँ पे पराठा खाया, पराठे वाला बड़ी चलाकी करके गया, कहता जी, मैंने पूछा कितने का पराठा है, कहता जी 20 रुपये का। मैं क्या कितना दो, अच्छा ठीक है। और जब मैंने भी पूछा कहता 40 रुपये, कहते सब्जी का एक्स्ट्रा है और एक चाय लिया आपने, तो टोटल 20 + 10 रुपये का सब्जी और ये 40 रुपये का होगा। ठीक है, 40 रुपये में दो पराठे चाय के साथ सब्जी के साथ, ठीक है, वर्थ है। अभी एंटर कर रहा हूँ मैं पीछे, यहाँ से मेरी जर्नी भूटान के लिए शुरू हो रही है। अभी तक तो मैं वेस्ट बंगाल इंडिया में था, यहाँ से भूटान शुरू होगा, तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। ये जगह पे, यहाँ पे अभी इन्होंने चेकिंग के लिए मुझे रोका, और मुझे लगे शायद बिना ड्रेस के कैसे लोग हैं जो लोग चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चे स्टूडेंट्स जैसे मुझे लग रहे थे। तो मैंने फिर इनको बैग ओपन करके दिखाया, तुम जब क्या चेक करना चाह रहे हो, तो बोलते हम सिर्फ प्लास्टिक चेक करें, आपके बैग में प्लास्टिक तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, प्लास्टिक तो मैं खुद यूज़ नहीं करता, बैग में प्लास्टिक कहाँ से मिलेगा। हेलो, हेलो, गुड गुड गुड, यस, नो कार, ओन, आई विल गो बाय बस। You go by bus? No, I even want to, like, this is my car, so... Paisa, how much? Rate 3,000 rupees. For one person, 3,000 is... I'm saying for one day, per day. Because if you go from here, okay, to, I mean, like, it takes around 3.5 hours. Okay. So it will be a long day. Agreed. So, I think for one person is costly. I'm basically a budget traveler. No, I don't spend much. It's not a costly. 3,000 rupees for one side. You can just tell me your rate. What, no problem. I think that's a good option for a group, rather than one person, me only. Because you know, like, while you're... I agree with you. You know, it's cost and all. The one car. Yeah. So, maybe you know, find some, just to make you comfort, because if you go to the bus, you have to wait for the timing. I agree on that, but yeah, still, it's very high. I don't spend that much. So how much? Thanks. No, nothing. It's not even close to that. Yeah, thanks a lot. There is, okay, that building. I think that building is immigration office. That building is the immigration office. So they're saying it will open at 9. जैसे मैंने गेट क्रॉस किए, एक नई दुनिया में पहुंच गया हूँ ऐसा लगता है। सड़कें अभी तक तो खाली खाली हैं, ट्रैफिक जाम जैसी पोजीशन नहीं नज़र आ रही है, और साफ़ सुथरी हैं। मुझे यहाँ कोई पॉलीथीन बैग्स नज़र नहीं आए। अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ। 9 बजे का टाइम है, अभी 8 ही बजे हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भूटान का टाइम हमसे 30 मिनट आगे है। अभी तक मैंने अपना मोबाइल सेट नहीं किया है। अगर मैं यहाँ के टाइम के हिसाब से देखूँगा, तो मेरी घड़ी में अगर 8 बजे, तो यहाँ 8:30 का टाइम होना चाहिए। अच्छा, अभी मुझे लगा कि ये पेडिस्ट्रियन है, एक लाइन थी वहाँ पर, श्योर नहीं था। मैं जैसे क्रॉस करने लगा, एक पुलिस वाले ने बोला कि भैया उधर से जाइए, वो है। आई फेल्ट बैड, मुझे लगता था कि मेरे सिविलियन एटिकेट्स अच्छे हैं, पर यहाँ आके एहसास हुआ कि नहीं भाई, इतने भी अच्छे नहीं हैं, मुझे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फॉर्मेलिटी कंप्लीट किया, 30 मिनट में वीज़ा मिल गया हम लोगों को। जब हम गए थे तब भीड़ नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी भीड़ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मुझे इस वक्त काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। मुझे आकाश मिले यहाँ पर, जिनका होटल का बुकिंग यूज़ करके मैं आगे के लिए रास्ता बना पाया। अदरवाइज़ होटल बुकिंग के बगैर आपको एंट्री नहीं मिल पाता है, तो ज़रूरी है कि जब आप यहाँ हैं तो एक होटल बुकिंग का प्रिंट आउट आपको साथ में रखें। मैं वही देख रहा था। अच्छा, मैं ऐसे ही निकल के जा रहा हूँ राइट से, फाउंटेन है ना, वैसे होता है एकदम, रात को
तो वापसी में देख ही नहीं पाऊंगा यार, मैं देख ही नहीं पाऊंगा इसको। काशी का सिम कार्ड चाहिए आपको? हाँ, सिम कार्ड इसके बाद लेना है ना। हो जाए सामने, ये इनका सेंटर है, 200 रुपये सिम कार्ड, 200 रुपये टॉक टाइम, अगर इंटरनेट है तो इंटरनेट मिल जाएगा। ओके, और पिछली बार ये बोल रहे थे, किसने बोला 110 रुपये में है, 10 रुपये लेते हैं, 100 रुपये का टॉक टाइम मिलता है, और बी वाला ताशी वाला ठीक है ले लेते हैं यार। Yeah, one SIM card. So these are the data packs, 299, 2.7 GB. What if I need 15 days validity or more data? Is it possible? Validity is 1 month only. 1 month only. Okay. Depend on usage. Okay. So if I need more data, then we need to go for higher pack. Yeah. 499, 5 GB. So I have. बी मोबाइल की जगह ताशी सेल का मोबाइल कनेक्शन लिया है, टोटल रिचार्ज किया 550 रुपये का, जिसमें 499 रुपीज़ में मुझे मिला 5 GB का डेटा 30 दिन की वैलिडिटी के साथ। इससे पहले 2.7 GB का डेटा ये लोग दे रहे थे 299 में, तो मैंने कहा रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा, डेटा कंजम्पशन मेरा बहुत हाई है, तो इसलिए मैंने 5 GB का रिचार्ज किया है। 50 रुपये का जो एक्स्ट्रा रिचार्ज किया उसमें मेरे को 35 रुपीज़ का टॉक टाइम मिला है, 10 रुपये इन्होंने सेम एक्टिवेशन फीस लिया है, इंस्टेंट एक्टिवेशन है, आप काउंटर पे जाओ उनको पेमेंट करो। अच्छा, आपका पासपोर्ट की कॉपी उनको आपने देनी होती है, पासपोर्ट की कॉपी आप जैसे ही देंगे सिस्टम में ये एंट्री करेंगे और नंबर ऑन द स्पॉट एक्टिवेट हो जाएगा। और सिम के लिए अप्लाई आप करेंगे परमिट लेने के बाद, उससे पहले नहीं मिल पाएगा सिम भूटान का। तो मेरे पास डेटा रेडी है। इमिग्रेशन के बारे में एक दो चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है बता देना चाहिए। पहला, यहाँ पर कुछ सुक्लेम्ड एजेंट्स मिलेंगे आपको, जो कहेंगे कि वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, उनके पास पेन पेपर होगा, फॉर्म होगा, वो आपको कहेंगे कि आप फिल कर दीजिए, मत करवाइएगा, बिकॉज़ वो आपसे डिमांड करेंगे पैसा का। मुझसे 150 रुपये मांगा उस लड़के ने, तेंजिंग नाम है। बाद में जब फॉर्म भरते हुए पता चला कि ऐसा कोई भी एजेंट किसी भूटान गवर्नमेंट ने नहीं रखा है, और पैसे की डिमांड उनको फॉर्म फिल करने के लिए नहीं करनी चाहिए, तो इस तरह की चीज़ों से बचना ज़रूरी है। ऐसे स्कैम स्टे का मैं आपको कल बता चुका था, हमने 350-250 रुपये यहाँ पर, और अगर आप इधर बॉर्डर के इस पार आके रात को रुकना चाहते हैं, जैसे आकाश रुका था, तो 450 रुपये में 1 बेड वाला अटैच बाथरूम के साथ रूम मिल जाता है, और सेम जायगांव में जो कि इंडिया के बॉर्डर में के जो भूटान बॉर्डर के उस तरफ है, वहाँ पर ये 350 रुपये में मिल रहा है। फूड ऑलमोस्ट सेम है दोनों तरफ, मैंने भी कल वहाँ पर 115 रुपये में नूडल्स खाया था, और यही नूडल यहाँ पर 100 रुपये में आकाश ने खाया था, तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आप दोनों जगह पर फूड का एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे लगता है रहने के हिसाब से जगहों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी जगह है, यहाँ घूमने के लिए अच्छा है, यहाँ शॉप्स अच्छी हैं, काम आ सकने वाली चीज़ें हैं, यहाँ रहना बेटर है 100 रुपये ज़्यादा पे करके। तो रिकमेंडेशन अगर मेरी तरफ से आप कहें तो मैं कहूँगा कि आप बॉर्डर के इस पार आ कर के रुकिए, यहाँ आने के लिए आपको नहीं लगता है किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट, आप सिंपल आइए और यहाँ स्टे करिए, और अगले दिन यहीं से इमिग्रेशन करवाने के बाद आप वापस जा सकते हैं। मेरा कल का जो पूरा स्टे है खाने के साथ 800 रुपये लगा, अभी का सुबह ब्रेकफास्ट लेके। अच्छा, हाँ क्या पूरा? दैट्स गुड। बियर लेके? बियर लेके 800 रुपये। बियर लेके? बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ओके, पूरा 800 रुपये भी तो थिम्पू में थोड़ा ज़्यादा होगा। हाँ, क्योंकि वो एक मेन सिटी है, चाहे मिले ना मिले, थोड़ा ट्रैवल भी है ना यहाँ पे इतना। थिम्पू में 1500 रुपये में हुआ अभी। अभी ये नहीं, वो तो बिल पे 3000 दिखा ना आपको। हाँ, मुझे तो मिला 900 रुपये। कैसे? अरे ऑफर देते ना गोवा पर। अच्छा, तो कैशबैक अभी ऐसा दलाल हुआ कि जो नहीं है बुक कर लिया। ये तो बहुत अच्छा रह गया यार, मज़े की बात पता क्या है? हाँ, मैंने जब पहले बुक किया ना, ओके, तो मेरा दोस्त क्या बोला कि पहले बुक कर। हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि बुकिंग ऑर्डर से बुक करते हैं, पैसा नहीं भरते हैं। हाँ, और जब यहाँ पे आ जाएंगे ना, हाँ, तो परमिट मिल जाएगा, कैंसिल कर देंगे। अच्छा, ऐसे करते दिखाने के लिए आप देखो। तो ये तरीका जा रहा हूँ, ये गेम नहीं करना है, फस गया तो कल को अकेले भी नहीं करना, अगर लोग होता तो पता कर जाता। एक्चुअली ये इन्होंने कैप्चर करना क्यों स्टार्ट किया पता है? हाँ, ये टैक्स चार्ज करते हैं उनसे, होटल से ना, होटल से, तो कहीं ना कहीं तो कुछ परसेंटेज इनके टैक्स का सिक्योर हो गया। हाँ, होटल का नाम डाल दिया, पैसेंजर का डिटेल आ गया। हाँ,
तो इनका टैक्स सिक्योर हो गया। तुम मतलब मेरे दोस्त मुझे यही बोला कि बुकिंग डॉट कॉम से कर ले। हाँ तो कैंसिल कर देना परमिट के बाद। बुकिंग डॉट कॉम पर मैं ढूंढ रहा था सर, महंगे 2000 के नीचे कोई नहीं था। नहीं तो प्रीपेड वाला करने का नहीं ना, प्रीपेड वाला ऑप्शन ही था सारा। नहीं 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 मैं बता रहा, मैंने सारा सर्च मारा कर बैठ के, ये एक्सपेरिमेंट मैं भी कर रहा था पूरा सर्च मारा। 2600 का सबसे सस्ता होटल, डिस्काउंट के बाद 2100, और वीज़ा का डिटेल डाला मैंडेटरी बुकिंग के लिए। नहीं बाबा लिखा था कि चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन डिटेल डालना मैंडेटरी है, उसके बगैर आप बुकिंग नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड हाँ, तो आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का टिकट मेंटर करना मैंडेटरी है, उसके बगैर नहीं कर सकते। हाँ तो वो तो बकवास है फिर। हाँ, वो भी आई भी बहुत अच्छा है। तो मैंने क्या किया, जो मैंने पहले बुक किया ना। हाँ, तो ये मेरे को पड़ा 1400 का। अच्छा और 27 तारीख और मैंने पैसे भर दिए। हाँ और मैं 27 तारीख के पहले कैंसिल कर चुका हूँ। ठीक है ओके, मैंने बोला यार चलो मैं 2320 बोला, और मैंने कहा क्या क्या रेट चेक करता हूँ कैंसिल कर दूँगा, क्योंकि तब तक मैं कॉन्फिडेंट हो गया था यहाँ पे चलो मैं बुकिंग वाला गेम कर सकता हूँ। राइट तो बहन चो देखा मैंने सेम जगह का प्राइस दिखा रहा है 1200। अच्छा ये कैसे हो गया? ओके बोला सर जीते होंगे तो पहले क्या पहले उन्होंने बुक किया करते हो ना पास आपको क्या करा वो एम कैश यूज होगी ना। अच्छा मैंने बोला सर वो आई यू कैसे पता ही था। हाँ तो उसमें क्या करना होता है गो आई कैश में? गो आई में मैंने क्या किया, गो आई आप कभी भी ट्रांजेक्शन करोगे ना तो वो कैश मिलता था थोड़ा। राइट तो 100% की कर सकते हो। टिकट पहले लेना है क्या? 10 AM डिपार्चर 10:30। दो आदमी है, चार आदमी दो आदमी दो आदमी वहाँ थोड़ी हो जाएगा। टिकट अच्छी आ जाएगी, लेट का है ना 12 बजे ना। क्लियर करो 2 का 600 ना, पता नहीं 1 का 600 बोल रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। अच्छा ये वाला ठीक है सर, टिल द टाइम इट डजंट टेक टाइम, बशर्ते टाइम ना लगे। ले ले ये को बाकी सवारी नहीं चाहिए। सामान लेके बाकी सवारी नीचे 600 नंबर है। ठीक है खत्म चलिए। अच्छा कोई मिलेगा तो बिठा देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है।